शाम के बाद आपके साथ मैं इतकाफ बैठा हूँ। इतकाफ बैठा हूँ, मैंने ये मीठे चावल से बोतल पी है, ठीक है। मैं कुरान भी पढ़ रहा था, सूरज की रात की ना आखिरी तर्जुमे के साथ पढ़ रहा था, उसी वक्त सीने में बेचैनी ठीक है, ठीक है। मैं ऐसे जैसे आज ही मैं सहीदे में चले गए, ठीक है, यहाँ होता है ऐसे चीज़ें का। तो फिर मुझे पता चला कि अगर दिल का मसला है एक्सरसाइज करें और सांस लें रहेगा, मैं सांस लेने शुरू कर दी, मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। अच्छा, अब इसमें यह है कि अक्सर जो हमारे नौजवान लड़के और लड़कियाँ, चूँकि बहुत ईमानी जज्बा होता है, बड़ी मोहब्बत होती है कि जी हमने एतकाफ में बैठना है, तो एतकाफ में बैठते हैं तो बहुत सारे जो चूँकि उसमें तिलावत भी करनी होती है, नमाज़ें भी पढ़नी हैं और इबादात की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो रहती है, तो अक्सर हमारे बच्चों और बच्चियों को एतकाफ के बाद इसके जो जिन्नाती ख़ास तौर पर जैसे आपके साथ हुआ रुकिए के दौरान जिन्नाती मसाइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक तो तन्हाई होती है और दूसरा ये है कि हमें वहाँ पे एतकाफ़ में बैठने के जो आदाब हैं वो हमें सही तरह से मालूम नहीं होते, ठीक है। तिलावत भी हम करते हैं वहाँ पर, नींद भी पूरी करते हैं और तन्हाई भी होती है और इसी तरह कभी बेवजू भी हो जाते हैं, ठीक है। और सुभानअल्लाह इसके बाद यानी हर रमज़ान के बाद इस तरह के जो आपका जो केस है ना, इस तरह के केसेस अक्सर रमज़ान के बाद हमारे पास आते हैं। अब इसमें सलूशन सबसे पहली चीज़ ये है कि इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये मसले क्यों पैदा होते हैं। अगर तो हमें रमज़ान के बाद आदाब यानी रमज़ान में एतकाफ़ के आदाब हमें मालूम है, उसमें तिलावत करना, उसमें बावजू रहना, उसमें अपने आप को अल्लाह के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ के रखना और ख़ास तौर पे शैतान से बचने की दुआएं करना, जादू और हसद और नज़र बद से रिलेटेड जो भी मसाइल है, अभी आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही होगी, हो रही है ना अभी, हाँ जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ना तो आपकी हार्ट बीट भी आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वजह यह है कि इस दौरान मस शैतान का बहुत ज़्यादा हमला होता है। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि लोग ये कहेंगे कि जी बैठे तो अल्लाह के घर में तिलावत के दौरान या अल्लाह की इबादत के लिए हम घर अल्लाह के घर में गए तो वहाँ भी शैतान ने हमला कर दिया। शैतान जो है वो अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, नमाज के दौरान ही वसवसा पैदा करता ना, तो नमाज हम मस्जिद में पढ़ते हैं, सही है, तो मस्जिद में इसका मतलब है कि वो दाखिल हो सकता है, आ सकता है आपके मसाजिद में, दौरान नमाज इवन आपको तंग कर सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि जैसे ही आप एतकाफ से उठे और अपनी कैफियत को, जो कुछ आपके साथ हुआ है या जो कुछ भी उस दौरान आपके साथ मामला हुए हैं उसको अपनी मेमोरी में सेव रखें, किसी भी ऐसे मालिज जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज करने वाला है उसको फौरन जो है ना वो उसके साथ रबते में है और अपनी कैफियत को बता के विद इन वीक और टू वीक, एक या दो हफ्ते के अंदर आप उसमें से निकल सकते हैं। अगर आप उसको डिले करते रहते हैं, छोड़ देते हैं, यार कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो लंबा 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 होता होता वो मामला आपका पुख्ता हो जाता। और एक और भी जो वजह है एतकाफ़ में बैठने की जो मेरे सामने आई है वो ये है कि ख़ास तौर पे नौजवान लड़के और लड़कियों में वो बैठते हैं मोहब्बत की खातिर, ठीक है। लड़कियां हैं वो जी मेरी फलां लड़के से शादी हो जाए तो हमने इस दफ़ा एतकाफ़ बैठना, लड़का जो है वो फलां लड़की से शादी हो जाए तो मैं अल्लाह ताला से बैठ के दुआ करूँगा कि मेरा जो है ना वो फलां जगह पर मेरा रिश्ता हो जाए तो मेरी मोहब्बत जो है ना वो कामयाब हो जाए। चूंकि उसमें मकसद इबादत नहीं होता इसलिए शयातीन उसके ऊपर हमला करते हैं। मकसद आपका दुनियावी हुसूल है किसी चीज का तो वो फिर उसमें उसी तरह का आपको रिजल्ट मिलता है जिस तरह का आप सोच के जाते हैं। इसलिए एहतमाम जो है ना वो इस चीज का करना चाहिए कि अल्लाह सुभान व तआला ने आपको जिस मकसद के लिए आप वहां पर गए हैं
وہ ان تمام مقاصد میں سب سے بڑا مقصد عبادت ہے, اور عبادت کے ساتھ اخلاص ہے. اخلاص ہے تو اللہ کے فضل سے ساری چیزیں آپ کی پایہ تکمیل تک پہنچیں گی, اور اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ ملے گا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, اور انشاءاللہ بسم اللہ ابھی آپ کا پروسیس شروع کرتے ہیں, علاج شروع کرتے ہیں انشاءاللہ.